हेलो बच्चों, मैं हूं दिनेश यादव और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थ्योरी और अपने न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट किया। आज हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स को। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। देखो बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म्स इस चैप्टर में हम लोगों को कंसंट्रेशन टर्म्स हमें कहां कहां यूज होते हैं। बेटा, 11th क्लास का बच्चा इसको सम बेसिक कॉन्सेप्ट में स्टडी करता है, 12th क्लास का बच्चा इसको फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में स्टडी करता है। 11th 12th में दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो कॉम्पिटेटिव वाला बच्चा इसको IIT और NEET में इसको स्टडी करके लेके चलता है। अब कंसंट्रेशन टर्म्स, हम सभी कंसंट्रेशन टर्म को एक बार देख लेते हैं कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स हमें स्टडी करने हैं। सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म्स जो होता है वो हमें स्टडी करना है मास परसेंट इसको बेटा हम लोग W/W% से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके बाद हमें स्टडी करना है वॉल्यूम परसेंट V/B%। इसके बाद बेटा हम लोगों को पढ़ना है मास बाय वॉल्यूम परसेंट W/B% से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमें स्टडी करनी है पार्ट्स पर बिलियन। इसके बाद बेटा हमें इसमें स्टडी करना है स्ट्रेंथ के साथ साथ हमको स्टडी करना है मोलैरिटी। इसके बाद बच्चा हम लोगों को स्टडी क्या करना है नॉर्मैलिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा मोलैलिटी कंप्लीट करने के बाद अपने को क्या पढ़ना है मोल फ्रैक्शन के साथ साथ यही हम लोग कवर अप कर लेंगे मास फ्रैक्शन। ठीक है ना? तो यहां पे स्ट्रेंथ को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल एम से करते हैं, नॉर्मैलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी स्मॉल एम से करते हैं रिप्रेजेंट, मोल फ्रैक्शन को चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, चाई इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मास फ्रैक्शन को कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टर्म्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, मास परसेंट को। जल्दी से आप लोग इसको नोट करते रहिए साथ साथ, मास परसेंट हम लोग स्टडी करेंगे। देखें मास परसेंट क्या होता है। सबसे पहले मास परसेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं। मास परसेंट क्या है, नाम से ही अपने को पता चल रहा है मास परसेंट क्या होता है। सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ बेटा कि मास परसेंट इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट, मास सॉल्यूट का लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज किस में लेके चलते हैं हम लोग, 100 में। इसको बेटा हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो अभी मैंने बताया है कैसे बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
100 ग्राम और किलोग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। दैट मींस ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन। 100 पार्ट्स मास किसका लिया गया बेटा, सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स मास में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ पार्ट्स डिसॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड मास परसेंट। सिंपल वे में बोले तो ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम और किलोग्राम। भाई नंबर ऑफ पार्ट्स को हम लोग ग्राम और किलोग्राम दोनों में लेके चल सकते हैं मास को, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम और किलोग्राम ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहां से हमने सीखा मास परसेंट क्या होता है, जल्दी से देखें एक बार। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद बेटा हमें क्या स्टडी करना है, सेकंड हमें क्या स्टडी करना है, वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको सिंबल से प्रेजेंट करना चाहूं मास परसेंट को, तो बेटा कैसे कर सकते हैं, मास किसका है, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट के मास को W2 से भी कर सकते हैं। अगर मैं कहीं पे W2 लिखूं या WV लिखूं, इसका मतलब यहां पे ये क्या है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं आपसे बात करता हूं W1 या WA की, तो बेटा ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। चलिए तो मास ऑफ सॉल्यूट W2 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन का सेंस क्या है, W2 प्लस W1, सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास दोनों का सम क्या कहलाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब बेटा हमने इसको मास परसेंट को स्टडी किया, सेकंड हमें क्या स्टडी करना है, वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट नाम से लग रहा है, मास की जगह हमने क्या यूज किया, वॉल्यूम। वॉल्यूम परसेंट में क्या करेंगे, V/V। तो यहां से समझ में आता है जहां पे हमने मास यूज किया है वहां पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, वॉल्यूम। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट की जगह पे क्या यूज कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे क्या यूज कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब यहां क्या लेके चलेंगे, यहां क्या लेके चलेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और यहां क्या लेके चलेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन क्या होगी बेटा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। केवल हमने मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट में क्या अंतर देखा डेफिनेशन में, कि जहां पे हम यूज कर रहे थे सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास, वहां इसमें क्या यूज कर रहे हैं, सॉल्यूट की वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो यहां पे ये क्या चल रहा है मेरे पास, अब वॉल्यूम परसेंट, तो B/V, वॉल्यूम सॉल्यूट का, वॉल्यूम सॉल्यूशन का। तो यहां से हम लोगों को एक बार जल्दी से डेफिनेशन बताएं, मास परसेंट की डेफिनेशन क्या थी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पे मास के प्लेस पे हमें क्या यूज करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम परसेंट की हमारे पास डेफिनेशन क्या हुई, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा यहां से मैथमेटिकल अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, एक्सप्रेस करना चाहूं, तो वॉल्यूम किसका, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम है, तो टू किसके लिए यूज करते हैं, फॉर सॉल्यूट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो हमारा मैथमेटिकल कैसे फॉर्मूला बन जाएगा, V2 इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट,
V1 is the volume of solvent and V2 is the volume of solute. Volume of solute plus volume of solvent is equal volume of solution. Now बेटा अब हमें क्या यूज करना है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट. क्या यूज करना है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट. थोड़ा सा ध्यान देके देखेंगे तो आपको सभी डेफिनेशन बहुत सिंपल लगने वाली. मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट में मास बाई वॉल्यूम, तो यहां पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू ऑब्लिक वी परसेंट. तो यहां भी क्या कर लेंगे बेटा, डब्ल्यू ऑब्लिक वी परसेंट. अब ऊपर क्या लेना है, मास अपॉन में क्या लेना है, वॉल्यूम. तो मास किसका, सॉल्यूट का, तो यहां पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. चेंज नहीं करना है अपने को. तो डेफिनेशन बेटा क्या बनी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट. क्या, मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. पहले वाले मास परसेंट में क्या लिया था, मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम परसेंट में क्या लिया हमने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब यहां पे क्या लिया हमने, मास बाय वॉल्यूम, तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. बहुत सिंपल है. पहले वाले में मास बाय मास को यूज करना है तो सॉल्यूट का भी मास लेना है, सॉल्यूशन का भी मास लेना है. दूसरे वाले में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूज करना है तो सॉल्यूट का भी वॉल्यूम यूज करना है, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम यूज करना है. तीसरे वाले मास बाय वॉल्यूम लेना है तो सॉल्यूट का मास यूज करना है और वॉल्यूम किसका यूज करना है, सॉल्यूशन का. चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टर्म, फोर्थ. अब यहां पे अगर मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना चाहूं तो बताओ बच्चा आप लोग क्या करेंगे, यहां पे वेट किसका लिया, सॉल्यूट का, तो यहां किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट. एंड अपॉन में क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो लिखा हुआ है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होता है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया. और परसेंटेज, परसेंट निकालना है इसलिए प्रत्येक सौ में से होता है, तो परसेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने मार्क्स पेपरों में एग्जाम होता है, एग्जाम में आपके मार्क्स आते हैं तो ऑब्टेन मार्क्स ऊपर रखे जाते हैं, टोटल मार्क्स नीचे रखे जाते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करते हैं. बस सिंपल है. चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म्स. फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म्स क्या कहता है अपने पास, समझते हैं. फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म्स में हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ देखें, स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ किससे रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल एस से. व्हाट इज स्ट्रेंथ, तो मैंने क्या बताया, अगर मैं यहां पे ले लूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना अमाउंट डिजॉल्व किया जाता है, किसका अमाउंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. क्या मैंने बोला बेटा, जल्दी से लिखे मेरे साथ, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसको कैसे एक्सप्रेस कराएंगे हम लोग, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बताओ जल्दी से. स्ट्रेंथ कैपिटल एस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट को W2 से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन किस, सॉल्यूशन का क्या, 1 लीटर का मतलब क्या है, वॉल्यूम. तो अपॉन में क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और अमाउंट किसमें लिया जाएगा, इन ग्राम. तो बेटा यूनिट क्या हो गई इसकी, यहां से यूनिट भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से. अगर यूनिट की बात करता हूं मैं तो यूनिट बेटा क्या बनेगी आपकी, ग्राम पर लीटर. तो यहां से फिर से समझते हैं क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, पर लीटर वॉल्यूम में, पर लीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ. तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ.
चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट को देखते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देख रहे हैं, फॉर्मूला भी देख रहे हैं साथ में, और फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या करने वाले हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को स्टडी करने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए हुए नेक्स्ट, फिफ्थ हमारे पास क्या था, फिफ्थ हमारे पास क्या था, मोलारिटी। आपको मैं लिखा चुका हूं, आपके पास सीरियल से मैंने लिखा दिया जो जो मुझे स्टडी कराना है। आपके पास नेक्स्ट है मोलारिटी। बेटा इससे पहले अगर आप पार्ट्स पर मिलियन और बिलियन भी पढ़ लें तो आपको ज्यादा आसान हो जाएगा, ज्यादा आसान होगा। देखें पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, तो पार्ट्स पर मिलियन जिसको हम लोग पीपीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताना चाहूं तो क्या बोलेंगे हम लोग, जल्दी से बताएं। इट इज डिफाइंड एज द, क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन मिलियंथ, मिलियंथ का मतलब 10^6 पार्ट, 1 million इक्वल 10 lakh, मिलियंथ, या हम इसको और सिंपल वे में करना चाहें तो यहां क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 10^ या डिजॉल्व इन 10^6 पार्ट्स ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 10^6 का मतलब क्या हुआ, 10 lakh, 10 lakh मीन्स 1 million, दैट इज कैसे लिखेंगे इसको, पार्ट्स पर मिलियन इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट W2, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन W1 प्लस W2। अभी हम जब मास परसेंट लेते थे तो क्या बोलते थे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट पर 10^6 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन को देखते हैं, पीपीबी को देख लेते हैं। पीपीबी में क्या होगा बेटा, यहां पे बिलियन, 1 billion का मतलब 10^9, तो डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट या मास, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट पर 10^9 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल है, जहां पे मास परसेंट को हम डिफाइन करते थे वहां पे हम लोग बोलते थे मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां 100 पार्ट परसेंट नहीं निकाल ले, पर पार्ट्स पर मिलियन, 1 million पार्ट्स में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, तो यहां पे 100 पार्ट्स की जगह पे जब बिलियन निकालेंगे, जब मिलियन निकाल रहे थे तो 10^ क्या ले रहे थे, 1 million का इक्वल 10^6 और बिलियन का मतलब 10^9, तो 100 के प्लेस पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, 10^ बिलियन में कर रहे हैं क्या, 9, और मिलियन में क्या करते हैं 6। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा पार्ट्स पर बिलियन का, आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग किसको स्टडी करते हैं, इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे जो अभी हम बता रहे थे आपको, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को देखते हैं, यहां से थोड़ा ढंग से समझना क्योंकि बच्चों क्वेश्चन बहुत ज्यादा कोरिलेशन में आते हैं, तो मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन से ही रिलेटेड कोरिलेशन में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ेंगे, मोलैरिटी। मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। क्या होता है मोलैरिटी, क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ यहां पे,
मैंने बोला अगर मैं एक लीटर सॉल्यूशन लेता हूं, सीधी सी बात है लीटर में लिया तो वॉल्यूम ही होगा सॉल्यूशन का, तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो यहां पे देखते हैं मोलैरिटी, दैट मींस मोलैरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। किसके नंबर ऑफ मोल्स है, सॉल्यूट के, तो क्या लेके चलेंगे, टू किसके लिए यूज करते हैं, सॉल्यूट के लिए। सेकंड कंपोनेंट सॉल्यूट लिया, फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्वेंट यूज किया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम किसमें लेना है, लीटर में, यह किसमें लेना है, मोल में। तो बेटा यहां से यूनिट क्या बन गई है, यूनिट यहां पे क्या बन चुकी है इसकी, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को आप लोग कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पे मोलैरिटी की वैल्यू आई है आपके पास 0.5 मोल पर लीटर, तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, 0.5 कैपिटल एम। ये मोलैरिटी को बेटा कभी कभार हम लोग न्यूमेरिकल पर्पज से मोलर कंसेंट्रेशन के नाम से भी जानते हैं, मोलर कंसेंट्रेशन। तो मोलैरिटी क्या होती है, एक बार जल्दी से बताएं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब बात आई सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो बेटा मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी अगर मैं जनरल केस ले लेता हूं किसी मॉलिक्यूल के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, वेट ऑफ द सैंपल। अब सॉल्यूट के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो वेट भी किसका लेंगे, सॉल्यूट का लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट। अब मॉलिकुलर वेट को भी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को भी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे हम लोग मॉलिकुलर वेट को कैपिटल एम डैश, मोलर मास या मॉलिकुलर मास जो भी होगा उसको, यहां पे मॉलिकुलर वेट को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, मॉलिकुलर वेट को हम लोग यूज कर रहे हैं एम डैश से। आप ऐसे भी कर सकते हैं मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, तो ये क्या है मॉलिकुलर वेट, दिस इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर मैंने कहा मॉलिकुलर वेट आपका सॉल्वेंट का है, तो आप यहां पे 1 यूज कर लेंगे, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैंने कहा आपसे, इसको ऐसे भी कुछ लोग कर देते हैं कि मॉलिकुलर वेट, तो मॉलिकुलर वेट को किसका है, सॉल्यूट का, ये किसका है, सॉल्वेंट का, तो कुछ लोग इसको ऐसे भी यूज कर लेते हैं, मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। यहां पर हम लोग सॉल्यूट का मॉलिकुलर वेट ले रहे हैं, पर हम लोग डैश वाले को यूज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इक्वल वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। इस चीज को बेटा अगर मैं यहां पे वैल्यू को पुट करूं इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहां पे क्या लिखूंगा, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बताओ बेटा मोलैरिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, एन टू की जगह पे क्या यूज कर लेंगे, डब्ल्यू टू अपॉन एम टू डैश इन टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। किसी किसी केस में क्या होता है बेटा, यहां पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, मोलैरिटी इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो ml में, अगर मेरे को दे रखा है ml में दे रखा है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा 1000 से डिवाइड दूंगा भाई। इस चीज को मैं बोल सकता हूं ना, वी अपॉन 1000, इसका मतलब ये किसमें है, 1000 से डिवाइड दिया हुआ है मिलीलीटर वाले वॉल्यूम में, तो ये लीटर में वॉल्यूम हो चुका है। अब इस चीज को थोड़ा सिंपलीफाई करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मोलैरिटी इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर ml में डायरेक्ट वैल्यू रखनी तो ऐसे रख सकते हैं, और 1000 कहां पे जाएगा आपके पास, ऊपर। तो ये भी फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, अगर मुझे वॉल्यूम दिया गया है लीटर में तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वॉल्यूम एमएल में तो ये कर लेंगे। अगर ये आपको ध्यान नहीं रखना है तो कोई फर्क नहीं है, आप क्या करेंगे, जो वॉल्यूम दिया है उसको वहीं पे एमएल से लीटर में कन्वर्ट करके आप इसको यूज कर लीजिए, ठीक है ना। वो भी ध्यान नहीं रखना तो आप इसको ही ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है। चलिए, ये मेरे पास मोलैरिटी टर्म्स था। अब हम लोग देखेंगे क्या हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं,
और इसको मोलर कंसेंट्रेशन भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए पर्पस से ध्यान रखना है अपने को। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म क्या, नॉर्मेलिटी। क्या पढ़ते हैं बेटा, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जल्दी से देखें, आप नोट करते रहिए, मैं हर लेक्चर बताता हूं आपको, नोट करना है कॉपी पे। अब हमें क्या पढ़ना है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मेलिटी में हम लोग क्या कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे स्टडी करते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बेटा मैं डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं आपको डेफिनेशन चार चार बार बोलता हूं इसमें, तो आप खुद ही लिख सकते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी। दैट मीन्स नॉर्मेलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैं यहां से इसकी बात करूं तो मेरे पास जब मैंने नंबर ऑफ मोल्स की बात की थी, तो बेटा मैंने नंबर ऑफ मोल्स को कैसे बताया था आपको, कि नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिया। अगर मॉलिक्यूलर सैंपल है तो, एटॉमिक सैंपल है तो एटॉमिक वेट, पार्टिकल है तो कैसे, मैंने हर तरीका आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। यहां पे अगर मैंने कहा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स को आपने लिखा था वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, सिंस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट वेट। अब बच्चा कहेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपने बताया कि वेट वाई, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है वेट वाई मॉलिक्यूलर वेट, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब यहां पे बच्चा कहेगा सर तो फिर यहां पे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है मॉलिक्यूलर वेट। अब इक्विवेलेंट वेट जिसका निकालेंगे, सैंपल सॉल्यूट हो सकता है तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट लेंगे अपॉन में वैलेंसी फैक्टर, अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, एक्स से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। तो यहां पे हमारे पास E इक्वल क्या आ गया, एम डैश अपॉन एक्स। अब अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करता हूं तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी से आप देखें, नाउ नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, वेट किसका था सॉल्यूट का। तो और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू, अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का एमएल में है तो आपको मैंने बताया था इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, वो 1000 का डिवाइड कहां पहुंच जाएगा अपने पास, ऊपर, ठीक है ना। अब यहां से ये बैलेंसी फैक्टर कैसे हमें निकाला जाएगा, अगर एसिड है तो उसके लिए बेसिसिटी देखी जाएगी, बेस है तो उसके लिए एसिडिटी देखी जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसके लिए बैलेंस फैक्टर कैसे देखा जाएगा, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन देखा जाता है। इन सभी चीजों को देखने के लिए आपको देखना होगा मेरा दूसरा लेक्चर, जो कि किससे रिलेट करेगा, कंसेंट्रेशन टर्म्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी के आगे क्या क्या पढ़ना रह गया हमें, मोलैरिटी क्या होता है, फॉर्मेलिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मास फ्रैक्शन क्या होता है, और इसी में हम छोटी छोटी बातें और डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टेड होंगी आपके लिए, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कंसेंट्रेशन टर्म्स के हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, प्योर न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें जिससे हमें फॉर्मूले को ध्यान रखना आसान होगा, और छोटी छोटी बातें कि ये इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है, वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला जाता है, इस चीज को भी हम समझेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में।
ठीक है गाइज। और सबसे लास्ट लेक्चर में जब ये कंप्लीट हो जाएगा कंसंट्रेशन टर्म, तो इसी के साथ इसके थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसके कोरिलेशन, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मोलारिटी एंड मोलैलिटी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मोलारिटी एंड नॉर्मैलिटी, मोलारिटी मास परसेंट में क्या रिलेशन है, ऐसे करके हम कई सारे कोरिलेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, और आगे आप सबको पता है कि अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिखकर जरूर बताएं कि आपको इन लेक्चर से क्या समझ में आता है। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें जरूर, ठीक है गाइज। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।